अगर आपको एक बहुत ही बेस्ट एंड प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन चाहिए जिसके अंदर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सको, एंड दोस्तों जो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन टोटली फ्री हो, एंड दोस्तों जिसके अंदर आपको कोई भी किसी भी तरह की वाटरमार्क देखने के लिए ना मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आया हो। इस वीडियो पर मैं आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप किसी भी टाइप की वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो, चाहे यूट्यूब की वीडियो हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया की वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, इंस्टाग्राम की वीडियो, हर तरह की क्या वीडियो आप इजीली एडिट कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। तो कैसे इस एप्लीकेशन के अंदर वीडियोस एडिट करना है, अगर आप इस एप्लीकेशन का नाम जानना चाहते हो तो इसका नाम है कैपकट। ये बहुत ही बेहतरीन एंड बिल्कुल सॉलिड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहां से इजीली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली कैपकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड इसे आप जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली हमें न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से सिंपली हमें अपना वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली हमें अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, देन हमारा जो वीडियो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करके सिंपली हमें अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है इसी एप्लीकेशन के अंदर। देन आपको इस एप्लीकेशन के अंदर वीडियो एडिट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन के अंदर अपना जो वीडियो उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आप अपनी वीडियो को कट करना चाहते हो, अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई भी गलतियाँ है उसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर स्प्लिट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो स्प्लिट के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को स्प्लिट कर सकते हो। जो पार्ट आप डिलीट करना चाहते हो उस पार्ट को आप इजीली डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने इस क्लिप को बिल्कुल भी स्प्लिट कर लिया। अब मैं इसी क्लिप के ऊपर क्लिक करूंगा, देन डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सिंपली डिलीट कर लूंगा, ठीक है। अगर आपकी वीडियो की एंड में कोई भी गलती है तो सेम प्रोसेस से आपको सिंपली अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। जिस पार्ट के अंदर गलतियां है, जिस पार्ट आप डिलीट करना चाहते हो, तो उस पार्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो डिलीट के ऊपर क्लिक करके आप उस पार्ट को इजीली डिलीट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर बिल्कुल एंड में जैसे कि देख सकते हो कैपकट नाम का जो ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल छुटा करके एंडिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, देन डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे सिंपली डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। देन ये जो आपको यहाँ पर कैपकट दिखाई दे रहा है ये और दोबारा से दिखाई नहीं देगा। अगर आप अपनी वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर साउंड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब साउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर योर डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको काफ़ी सारे म्यूजिक दिया गया है, इन्हें यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके। अगर आप अपने फ़ोन से नो कॉपीराइट फ्री अपनी वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो सिंपली योर म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डिवाइस के अंदर जितने भी म्यूजिक है उन सभी म्यूजिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो हमारे वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट करना चाहते हो तो पहले आप अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लीजिएगा, ठीक है, आई मीन बैकग्राउंड म्यूजिक को। उसके बाद उस पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट के ऊपर क्लिक करके आप उस पार्ट को इजीली डिलीट कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम है उसे कम करना चाहते हो, यानी कम करना चाहते हो, तो सिंपली आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम का लेवल है आप चाहो तो इसे कम कर सकते हो, ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद सिंपली इसे कर देना है डन, ठीक है। अगर आप इसी वीडियो के साथ कोई दूसरा वीडियो जुड़ना चाहते हो तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। जो वीडियो आप इस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हो तो आपको यहाँ पर इंपोर्टेड लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, छूटा करके आपको सिंपली यहाँ पर दूसरा वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा म्यूजिक भी दूसरा वीडियो भी ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोनों वीडियो के बीच में कोई ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली ट्रांजिशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ढेर सारे ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, तो इनमें से कोई भी ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद वो जो ट्रांजिशन है आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रांजिशन का जो स्पीड है उसे बढ़ाना चाहते हो तो ये जो लाइन है आपको इस लाइन को आपको सिंपली इंक्रीज करना है। देन आपकी वीडियो पर ट्रांजिशन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप का ट्रांजिशन दिखाई देगा, तो इनमें से जिस तरीके का ट्रांजिशन आप ऐड करना चाहते हो अपनी वीडियो के अंदर, उसी तरीके का ट्रांजिशन आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी एडवांस लेवल का ट्रांजिशन दिखाई देगा जिनको आप अपनी वीडियो पर इजीली ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ट्रांजिशन दिखाई देगा, तो आपको ट्रांजिशन ऐड करने के बाद सिंपली इसे कर देना है डन। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे वीडियो पर ट्रांजिशन भी ऐड हो चुका है। अगर आप अपनी वीडियो पर वॉइस ओवर करना चाहते हो तो आपको सिंपली वॉइस ओवर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको सिंपली अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो हमारी वीडियो पर वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो चुका है, हमारे वीडियो पर वॉइस ओवर ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसे कर देना है डन। देन अगर आप इसी वीडियो पर कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हो, किसी भी चीज़ विजुअलाइज करना चाहते हो, तो सिंपली हमें ओवरले के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओवरले के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी वीडियो चूज कर सकते हो, इसी वीडियो के ऊपर कोई दूसरा वीडियो ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हो तो सिंपली फोटो के ऊपर क्लिक करना है। देन आप इसी वीडियो पर कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकते हो, तो जो भी पिक्चर को ऐड करना है उस पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसी पिक्चर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि देख सकते हो क्रोमा की का भी सपोर्ट मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग मोड का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर स्प्लाइस नाम से दिखाई देगा। तो वीडियो एडिट करने के लिए इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएगा, जितने सारे फीचर्स एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए, जो कि दोस्तों बेसिक से लेकर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उन सभी चीज़ आपको इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो एडिट करने के बाद इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ये जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो रेजोल्यूशन FPPS दिखाई दे रहा है। देन आपको सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके अपना जो वीडियो है जिसको आपने एडिट किया वो वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।